बांदीपुरा से बड़ी खबर यह कि एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को नाकाम किया गया है। लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। बांदीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हिंदुस्तान पर। आतंकी गिरफ्तार किए गए 4 लश्कर के, और ये लश्कर के लिए नए युवाओं को भर्ती किया करते थे, आतंकियों को भर्ती किया करते थे। अब इनसे तमाम एक पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद, जब इनसे कड़ाई से आगे जाकर पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त, लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती क्या करते थे। फारूक पानी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। फारूक, सवाल इसी को लेकर, जो 4 आतंकी इस वक्त गिरफ्त में आ चुके हैं, कितने बड़े खुलासे उनसे हो सकते हैं, क्योंकि ये दरअसल खुद नए युवाओं को भर्ती करने का काम करते थे। जी बिल्कुल, ये नए युवा को आकर्षित करते थे मिलिटेंसी की ओर। और अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मॉड्यूल का जो पर्दाफाश किया है और 4 जो LET के मिलिटेंट थे उनको गिरफ्तार किया गया है, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है और तहकीकात भी अब शुरू की गई है, क्योंकि बड़ा इंकशाफ इन 4 लोगों से हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में मिलिटेंट गतिविधियां कुछ जैसे लगातार बढ़ रही थी, उसके अनुसार माना जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पे बड़ा कुछ हाथ में लग सका है। जिस प्रकार से ये मिलिटेंट जो है, बताया जा रहा है कि कुछ गतिविधियां भी वहाँ पे अंजाम दे रहे थे, और जो ओवरग्राउंड वर्कर सभी लकड़िया है घाटी में, उनके साथ इनका संपर्क है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले को देख रही है और इसे जो है पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा निकल कर आ सकता है, क्योंकि सोपोर, बांडीपुरा और हफ्वारा क्षेत्रों में मिलिटेंट एक्टिविटियां हमने देखी लगातार कुछ जिसे बढ़ रही है, उसके अनुसार कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ। लेकिन फारूक, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि ये वो आतंकी थे जो कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे, आतंकी कैंप्स में शामिल किया करते थे। ये तो जाहिर बात है कि घाटी से युवाओं को वो लोग चुनते थे। क्या कोई एरिया ऐसा स्पेसिफिक पता चला जहां पर इन लोगों का फोकस रहा करता था? देखिए, जो बांडीपुरा जिला है वहां के हाजन इलाके में इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 4 लोग बताए जा रहे हैं कि काफी समय से वहां पे सक्रिय थे और नई रिक्रूटमेंट जिस तरीके से नई युवा को आकर्षित करते थे मिलिटेंसी की ओर, और उनको पूरी गाइड करते थे वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें और घाटी में मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ाने के लिए जिस कार्य उनको दिया जाता था, उसके अनुसार माना जा रहा है कि इन 4 लोगों से अभी बहुत कुछ आगे निकल सकता है। क्योंकि हमने देखा उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ रही थी और वहां पे भी रिक्रूटमेंट के जो अभी कुछ मामले सामने आ रहे हैं, और इसमें उनका हाथ बताया जा रहा है कि अब यहाँ से ये भी पता चलेगा कि उत्तरी कश्मीर के त्राल, पुलवामा और शुपियान क्षेत्र में जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट हुई है, यानी कि युवाओं को टारगेट किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको ट्रेनिंग भी उसके बाद की पूरी यहाँ से तैयारी होगी। फारूक, आप नजर बना के रखिए, अब क्योंकि जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो और भी कई सारे खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।